दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेंसिंग वायर के बारे में। इसको बारबेड वायर और कैट वायर भी बोलते हैं। ये राउंड वाली है, ये दो साइज़ में आती है, 1.5 फीट का गोला और 2 फीट का गोला। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे लगाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा के ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। इसका प्रयोग सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ये खासकर फार्म हाउस की बाउंड्री वॉल पे, फैक्ट्री की बाउंड्री वॉल पे और आपके घरों की बाउंड्री वॉल वगैरह पे लगाई जाती है ताकि कोई चोर या अननोन पर्सन दीवार फान के अंदर ना आ सके। तो चलिए आगे वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है दोस्तों, वो आता है ये वाई बनाने का। ये हमें वेल्डिंग वाले से 1.5 इंची बाई 1.5 इंची या 2 इंची बाई 2 इंची की एंगल में ये वाइयाँ बनवा लेनी है ऐसे, और इसमें ऐसे जगह जगह होल करा लेने हैं 2-2, 2.5-2.5 इंची पे ताकि कहीं से भी हमें तार बांधने में सहूलियत हो। और इन वाइयों को दोस्तों हमें ऐसे 10-10 फीट के डिस्टेंस पे लगा लेना है। 10 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस पे दोस्तों ना लगाएं। उसमें होता क्या है, जब हम ये गोला लगाते हैं तो ये गोला जो इसका स्टैंडर्ड साइज़ है खुलने का वो 10 फीट है। 10 फीट में ये अच्छे प्रॉपर तरीके से खुलता है। उससे ज़्यादा आप खोलेंगे तो ये ज़्यादा फैलता और तरीके से बनता नहीं है। तो 10-10 फीट पर लगा लेंगे तो वाई टू वाई ये अच्छे से बन जाएगा और कभी भी लूज़ नहीं होगा, मजबूती से इसके साथ बंधा रहेगा। और इन वाइयों को दोस्तों हमें ऐसे दीवार में तकरीबन 1 फीट नीचे तक कंक्रीट से सील कर देना है ताकि ये हिले ना, क्योंकि इसका सारा खिंचाव और लोड इसी पे आएगा। ये जो दीवार है इससे तकरीबन 6 इंच ऐसे उठा हुआ है। इसमें ऐसा ही बारबेड वायर आता है जो सीधा आता है बिल्कुल जिस तरह ये तार है। तो यहाँ पर उस सीधे वाले बारबेड वायर की 2 रो लग जाती हैं, एक वाई से दूसरे वाई पर नीचे तक बन जाती है। ये तो जो नीचे आपको खाली जगह दिख रही है वो भी नहीं दिखती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं थी पार्टी की तरफ से, इसलिए हमने यहाँ नहीं लगाई है। और जहाँ पे लोहे का गेट वगैरह है तो वहाँ पे ये वाई हमें ऐसे गेट पे वेल्डिंग कर लेनी है। तो सबसे पहला स्टेप है ये वाई लगाना। जो वाई लगा रखे हैं इनमें ये सपोर्ट के लिए तार बांध लेनी है लोहे की दोनों तरफ। इसको बांधने के कई तरीके हैं दोस्तों। आप ऐसे इसको घुमा के भी लगा सकते हैं, इसमें क्लिप भी आती है इसकी, आप दूसरे लेंटर वायर वगैरह से इसको बांध सकते हैं। इस तरह से इसके सपोर्ट वाली तार को हम बांध रहे हैं और इसी पे फिर हम जो हमारी बारबेड वायर का रोल है उसको खोल के इस पर बिछा देंगे। और पूरा अच्छे तरीके से इसको बांध लेना है। इसी तार को हम दूसरी तरफ भी बांध के ले जाएंगे, इसको काटा नहीं है। और ये दोनों तरफ हमें वाई पे ऐसे से पूरा टाइट करके इसको बांध लेना है, कहीं लूज़ ना छोड़ें तार को, प्रॉपर खिंचाव रहना चाहिए इसके अंदर, वरना ये बाद में लटक सकती है। तो आप देख पा रहे हैं ये हमने लगा लिया है दोनों तरफ, एक ये वायर एक ये वायर, और ये आगे तक लगा लिया है। इस तरफ भी पूरी वॉल पे हमने ये तार बांध दिए हैं और अब बारी है इसमें हमें बारबेड वायर लगाने की। तो चलिए अगले स्टेप में हम लगाते हैं बारबेड वायर। और ये वाला स्टेप बहुत ही सावधानी से करने वाला है, प्रॉपर टूल्स और ग्लव्स के बिना इसको बिल्कुल भी ना करें। तो ये है बारबेड वायर के बंडल, ये अभी पैक हैं। और ये एक बंडल 10 से 12 फीट लेंथ में खुलता है। और ये देखिए इसमें जो चाकू हैं ये काफ़ी ख़तरनाक है, ये धार हैं, तो इससे बच के रहना होता है दोस्तों, जहाँ भी ये लगेगा फाड़ देगा। और ये तकरीबन 800 से 900 रुपये का रोल मिलता है 2 फीट डायमीटर का। ये 1.5 फीट, 2 फीट और 2.5 फीट में आता है। ये हमारा 2 फीट वाला है। अब हम कर रहे हैं इस तार की कटिंग, जिसकी मदद से हम इस वायर को बांधेंगे। ये जो लेंटर वाली तार आती है रोल, हाफ हाफ हो गए हैं ये। अब इसमें से एक एक तार लेके हम बांधेंगे बारबेड वायर को। और दोस्तों ये आते हैं ग्लव्स। अगर इन ग्लव्स के बिना आप बारबेड वायर को छुएंगे तो वो आपका हाथ काट देगी। तो ये देखिए अब इसको हम खोल रहे हैं और खोलते वक्त भी बड़ी सावधानी से। तो ये देखिए ये हमने इसको खोल लिया है, इसको सावधानी से पकड़ के काम करना पड़ता है। अब हम इसको लगाएंगे। तो ये देखिए हमारे जो मिस्त्री हैं उन्होंने ग्लव्स पहन लिए हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये अब यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे खुलता है ये 10 से 12 फीट की लेंथ में खुलता है, इससे ज़्यादा इसको ना खोले। ये देखिए इस तरह इसको
खींच के खोल लें ऐसे, इसको दोनों छोर पे दो आदमी पकड़ के खींच लें, ये खींच जाता है। और ये देखिए जो पहली वाई है उसमें इसका एक रिंग, इसका ऐसे रिंग फंसा लेना है और दूसरी तरफ से ऐसे खींचना है उसको इस तरह से। ये 10-10 फीट के गैप पे हमने वाई लगाई हुई है और ये इन्होंने खींच लिया है, ये 12 फीट तक खुल गया है। तो ये 10 से 12 फीट ही खुलता है, इससे ज़्यादा इसको ना खोलें, इससे ज़्यादा खुलता नहीं है। तो इस तरह ये आप देख पा रहे हैं, ये लग गया है एक गोला। तो ये देखिए इस तरह से हमें लेंटर वाले वायर से इसको बांध लेना है वाई के दोनों तरफ। हमने वाई के अंदर जो होल करा रखे हैं उसके अंदर से तार को क्रॉस करके इसको प्रॉपर 4-6 जगह से बांध देना है टाइट से, उसके बाद ये कहीं नहीं जाएगी। और जो बीच में हमने सपोर्ट वाली जो तार लगाई हैं दो, इस पर भी हमें बीच बीच में इसको 2-2, 3-3 फिट पे बांध लेना है। लेंटर वायर को डबल कर लेना है, डबल करने से मजबूती बढ़ जाती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये छोर पे बांधेंगे जहाँ हमने खिंचाव कर रखा पहले यहाँ बांध देंगे। फिर देखिए इसके जाल के अंदर से क्रॉस करके इसको प्रॉपर बांध देना है, कहीं लूज नहीं छोड़ना है दोस्तों। और ये देखिए ये जो हमने सपोर्ट वायर करी है इसमें भी एक हमें ऐसे कुंडी बना देनी है, अदरवाइज ये स्लिप होकर उधर भागती है। इस कुंडी के इशारे से ही ये रुकी रहेगी, ऐसे बांध देनी है। और अब इसको दूसरी तरफ से भी बांध देंगे, जहाँ जहाँ हम ऐसे जॉइंट लेते हैं वहाँ इसको जो सपोर्ट वायर है इसको ऐसे घुमा के कुंडी बना देनी चाहिए ताकि ये स्लिप होके भागे ना वायर। और जब इसके साथ दूसरी हम लगाएंगे तो उसको भी इसके साथ बांध देंगे, फिर ये कहीं भी नहीं जाएगी। और इसको क्लास से या तोता क्लास से घुमा के तार को टाइट कर लेना है, लूज नहीं छोड़ना है वरना ये स्लिप हो जाएगी। इसके साथ दूसरा रोल बांध रहे हैं, इसको ऐसे लगा लेना पहले इसके साथ में और तार से प्रॉपर तरीके से बांध देना है। देखिए नंगे हाथों अगर काम कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी से, नया आदमी अगर ये काम करेगा तो उसको चोट लग सकती है, इसलिए इस काम में हमेशा ट्रेंड मिस्त्री ही होना चाहिए। ये जो मिस्त्री हैं इस काम के ट्रेंड है, तो ये बिना ग्लव्स के भी कर रहे हैं, वैसे रिस्की है बट तार जो है ग्लव्स के साथ में प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं हो पाता, इसलिए ये नंगे हाथों से इसको कर रहे हैं। बट इनको ट्रिक पता है कि कैसे काम करना है जिससे इनको चोट लगने के चांस कम होते हैं। और इस तरह ये देखिए जॉइंट पे जहाँ भी रोल टू रोल जॉइंट होता है तो वहाँ पे हमें तकरीबन 4-6 जगह पे बांध लेना चाहिए इसको, क्योंकि फिर इसमें बाद में खिंचाव होता है तो ये निकले ना, फंसे होते हैं कांटे अगर रोल नहीं खुलता है। तो ऐसे एक तरफ से एक आदमी खींचता रहेगा, दूसरा ये पीछे से लोहे का हल्का हल्के मारता रहेगा, चोट से खुल जाती है। जहाँ भी फंसे वहाँ ऐसे हल्की पाइप से चोट मारेंगे तो खुल जाएगा। ये दूसरा रोल हमने खोल लिया है दोस्तों, ये हमारी हो गई है वायर वेड वायर की फेंसिंग कंप्लीट। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरा लगा लिया इसको, और ये हमने गेट के ऊपर भी लगा दिया है। अब गेट के ऊपर से या दीवार के ऊपर से किसी भी तरह से आदमी फान के इसको जा नहीं सकता है, ऐसी कोई जगह नहीं है इसमें अब कि जिसकी मदद से आदमी अंदर चला जाए बिल्डिंग में। ये 120 फीट एरिया है लंबा, इसमें हमारे 10 रोल लगे हैं बार बेड वायर के। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए।